बच्चों के घर में आते ही एक अलग ही तरह की रौनक आ जाती है, पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। स्पेशली बेटियों के घर में होने से अलग ही तरह की रौनक घर में होती है, उनका चिल्लाना उनका हंसना घर में अलग ही जान डाल देता है। लेकिन एक वक्त के बाद ना बच्चों की जो जिद होती है उनसे डील करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे पेरेंट्स से अपनी जिद पूरी करवाने के लिए तरह तरह की हरकतें करने लगते हैं, रोते हैं, खाना खाने से इनकार कर देते हैं, टोटली वो अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। लेकिन चीन के एक शख्स ने अपनी बेटी की जिद से बिल्कुल ही अजब गजब तरीके से डील किया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। पहले के पेरेंट्स के लिए सिचुएशन फिर भी ठीक होती थी, उनके बच्चे या तो आउटडोर गेम्स खेलते थे या फिर इंडोर गेम्स खेलते थे, तो वो अपने बच्चों को डांट कर मार कर गेम्स खेलने से रोक भी लेते थे। लेकिन अब पेरेंट्स के लिए सिचुएशन वाकई बहुत ही खराब हो गई है। जैसे ही वक्त बदला और टेक्नोलॉजी ने दुनिया पर अपना कब्जा जमाया, छोटे बच्चों को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में छोटे बच्चे या तो अपना टाइम स्मार्टफोन के साथ बिताते हैं या फिर टीवी देखते हुए बिताना पसंद करते हैं। और बच्चों को इन आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए पेरेंट्स को कई तरह के अजब गजब तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ तरीका चीन के एक शख्स ने अपनी बेटी के साथ किया। चीन की मीडिया के मुताबिक ये अजीबोगरीब घटना यूलिन शेयर की है, जो एक शख्स ने जब ये देखा कि उनकी 3 साल की बेटी बिना रुके लगातार टीवी देख रही, तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और ऐसा करने से मना किया। उन्होंने अपनी बेटी को डिनर करने के लिए बुलाया, लेकिन टीवी में पूरा ध्यान होने की वजह से उसने अपने पापा की बात भी नहीं सुनी। बच्चे के पिता को काफी तेज गुस्सा आया और उन्होंने टीवी बंद कर दिया। ऐसा करते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि बच्चों के पास इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक वाहिद तरीका अपने पेरेंट्स को रोककर डराना है। लेकिन इस बच्चे के पिता इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं पड़े और उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में एक कटोरा थमा दिया और उसे इस कटोरे को आंसू से भरने को कहा और बोला कि अगर वो ऐसा करती है तभी उसे दोबारा टीवी देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। कटोरा थमाए जाने के करीब 10 सेकंड बाद ही बच्ची ने हार मान ली और कहा वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसके बाद पिता ने अपनी बेटी को मुस्कुराने को कहा और बेटी हंस पड़ी। ऐसी ही और अजब गजब बातें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। शुक्रिया।